स्विमिंग आपकी त्वचा पर कैसा असर डालता है, आपके बालों पर कैसा असर डालता है? स्विमिंग लंग्स की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप बबलिंग करते हैं, आप स्विम करते हैं, उतना ही लिम्फैटिक सर्कुलेशन बूस्ट होता है। लिम्फ का काम है ब्लड से जितनी भी टॉक्सिन्स हैं वो लेना और उनको पूरी तरह से स्वेट और ब्रेथ, पसीने के थ्रू, यूरिन मोशन के थ्रू बाहर निकाल देना। तो लिम्फैटिक सर्कुलेशन जितना अच्छा होगा उतना ही डिटॉक्सिफिकेशन बूस्ट होगा, अंदर की गंदगी निकल जाएगी, आपकी इम्यूनिटी इससे बूस्ट होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिसका अच्छा असर आपकी त्वचा पर पड़ता है, फेशियल स्किन, बॉडी स्किन पर पड़ता है और स्कैल्प मतलब हेयर पर भी पड़ता है। लेकिन पानी क्लोरिनेटेड होने की वजह से और कुछ गलतियां आप स्विमिंग पूल में जाने से पहले, वहां से निकलने के बाद जो करते हैं, उसकी वजह से आपकी हेयर हेल्थ स्विमिंग से स्पॉइल हो जाती है और आपकी स्किन पर जो परफेक्ट ग्लो आने का टाइम है वो भी खत्म हो जाता है। क्लोरीन पानी में क्यों डाला जाता है, स्विमिंग पूल्स में क्लोरीन क्यों डाला जाता है? क्योंकि उसे डिसइंफेक्ट करना होता है जितने भी बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन डिजीजेस होते हैं और फंगल इन्फेक्शंस होना, ये सब जो पानी में जाने से होता है। क्योंकि आप जिस पानी में, उसमें अन्य बहुत सारे लोग हैं और इसके अलावा और भी एक्टिविटीज पानी में स्विमिंग के अलावा चल रही है, क्योंकि ये हमारी बॉडी है, इसके आवेग हैं और वो उसमें होते हैं और किस प्रकार से कौन इन्फेक्शन से गुजर रहा है हमें नहीं पता है और वो एक डिटेक्ट करने का प्लेस भी नहीं है कि इतना डायग्नोस करें वहाँ पर या इतना इंक्वायरीज करें तब स्विमिंग पूल में जाएं, तो ये संभव ही नहीं है, फिर आपको स्विमिंग छोड़नी पड़ेगी। तो इस वजह से प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाता है कि क्लोरीन डालें और जो स्विमिंग कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार के इन्फेक्शंस ना हो। लेकिन क्लोरीन का कॉस्टिक नेचर होने की वजह से ये अपना एक अलग ही इफेक्ट त्वचा पर और बालों में छोड़ता है। बाल बेहद ड्राई होते हैं, स्कैल्प पर इचिंग स्टार्ट हो जाती है, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस जैसी समस्या, हमारे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हमारे त्वचा पर आने लग जाती है और हेयर फॉल शुरू हो जाता है और चेहरे पर, क्योंकि चेहरे की त्वचा पतली है, हाथों पर, पैरों पर हमें ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, ड्राई स्केली स्किन कभी कभी देखने के लिए मिलती है। तो ये सब क्लोरीन के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। कई सारे साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए क्लोरीन डाला तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको सफ़र करने पड़ते हैं। अब आप इससे कैसे बचें और साथ साथ स्विमिंग के जो दुष्परिणाम आपकी त्वचा पर हैं उससे बचकर स्विमिंग का बहुत बड़ा फायदा आप अपनी त्वचा पर कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले तो आप स्वयं एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब स्विमिंग पूल में उतरना है तो उसके पहले आप शावर ले लें। आप जिस पूल में जाते हैं वहां पर शावर की सुविधा होती ही है, तो वो ज़्यादातर 99% लोग बाद में शावर लेते हैं, पहले शावर लेना चाहिए। इससे आपके शारीरिक गंदगी निकल जाती है और स्विमिंग पूल साफ रहता है। ये आप अन्य लोगों के लिए नहीं कर रहे, स्वयं के लिए कर रहे हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस में ला रहे हैं तो आपकी देखा देखी दूसरे लोग भी लाएंगे और आप इस वजह से और लोगों को भी कह सकते हैं कि शावर लेकर उतरिए। कई जगह कई पूल्स में लिखा होता है कि प्री एंड पोस्ट शावर्स आर कंपल्सरी। पोस्ट शावर तो आपकी अपने लिए बहुत ज़रूरी है और प्री शावर सबके हेल्थ के लिए, सबके इन्फेक्शंस ना कैच करने के लिए, सबकी जितनी भी प्रतिरोधक क्षमता है उसको बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसमें आप भी शामिल हो जाते हैं। तो ये एक सबसे पहली चीज़ है। जितनी भी ईचिंग, कॉस्टिक नेचर क्लोरीन की वजह से होना है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आपको कैच करना है, तो उससे बचा कैसे जाए? कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं, क्रीम्स ऐसी होती हैं जिनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। जिवेना हर्बल्स का मैरीगोल्ड क्लेंजर है और फ्रूट क्रीम है। कोकोनट बटर, कोको बटर, मैंगो बटर से बना हुआ फ्रूट क्रीम है, मधुमोम है। ये अगर आप पूरे बॉडी स्किन पे बिल्कुल हल्का सा भी लगा लें और फेशियल स्किन पर, तो वो पानी आपकी त्वचा को बिल्कुल स्पॉइल नहीं करेगा। और आपके बालों में आप ऑयल लगा के उतरें ये तो मैं नहीं कहूँगी, आप शावर कैप्स पहने ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ इसके बाद आप हेयर केयर पूरी तरह से कर सकते हैं और करना भी चाहिए। बिना ऑयलिंग के शैम्पू नहीं करना चाहिए स्विमिंग के बाद, जिससे ऑयल गंदगी भी लेकर निकलेगा और पोषण भी देगा और जो डिहाइड्रेशन क्लोरीन ने कॉज किया है वो भी पूरी तरह से एक ही ऑयल एप्लीकेशन और उसके बाद किए गए शैम्पू से खत्म हो जाएगा। एक्सफोलिएटिंग प्रोटीन
हेल्थ पैक्स होते हैं, हेयर हेल्थ पैक्स, वो भी अप्लाई करें, समय हो तो ये अवश्य करें। तो आप ऐसे स्किन और पानी के बीच में बैरियर क्रिएट करने वाली क्रीम्स अप्लाई करके पूल में उतरिए और तलवों में ना लगाएं, नहीं तो स्लिपरी नेचर की वजह से परेशानी हो सकती है। इसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो एक बैरियर के रूप में आपने बहुत अच्छी स्किन क्रीम्स लगाई हैं तो गीला कॉटन अपने साथ अवश्य लेकर जाइए, अपने बैग में बॉडी लोशन रखिए और सनस्क्रीन रख लीजिए, क्योंकि आप काफ़ी देर तक आपने स्विमिंग की तो स्किन थोड़ी सी प्रूनी हो जाती है। ऐसी स्किन जब सन एक्सपोजर होता है, प्रूनी का मतलब है स्किन की टेंडेंसी होती है कुछ देर तक गीली रहती है, उंगलियां जैसे कुछ ही देर तक गीली रहें तो फिर उनमें सिकुड़न सी आ जाती है, तो ये इनको कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक फिर उसमें डिहाइड्रेशन रहता है अगर आप मेजर्स नहीं अपनाते हैं मॉइस्चराइजिंग के, तो ऐसे एरियाज जो हैं बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। इसलिए बॉडी लोशन की तो अत्यधिक आवश्यकता है, साथ साथ फिर प्रोटेक्शन की भी है, क्योंकि इतनी देर गीले रहने के बाद त्वचा का मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है, जितना मॉइस्चर लेवल कम होगा उतनी ही यूवी सेंसिटिव स्किन ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए सनस्क्रीन की आवश्यकता है। बेशक 5 ही क्यों ना बचे हों, आपकी स्विमिंग कंप्लीट हो गई हो तो भी आप सनस्क्रीन लगाएं और बाहर निकलें। फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन होगी तो वो पोल्यूटेंट से भी आपकी त्वचा को बचाएगी, इसलिए 6 बजे 6:30 बजे भी आप वो लगा कर ही बाहर निकलें शावर के बाद। तो जब आप पूल से बाहर निकलते हैं तो उस क्रीम को आपको पोंछना है गीले कॉटन से, और फिर शावर अच्छे से लेकर क्रीमी बॉडी वॉश से नहाएं तो उससे झाग कम होंगे और गंदगी निकलेगी और एक हाइड्रेशन त्वचा को उस बॉडी वॉश से मिलेगा, जो फर्दर इंक्रीज हो जाएगा आपके बहुत ही अच्छे बॉडी लोशन लगा लेने से पूरी बॉडी पर। तो जैसे ही आप टॉवल से बॉडी वाइप करेंगे उसके 30 सेकेंड्स में ही आप बॉडी लोशन पूरी बॉडी पर लगा लीजिए और फेस पर भी सीरम मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद सनस्क्रीन लगाइए और बॉडी स्किन पर भी सनस्क्रीन लगाइए, तब कपड़े पहनिए। जब निरंतर आपको वैकेशन में स्विमिंग करनी है तो ये बेहद ज़रूरी है कि घर पहुंचने के बाद आप आर्गन ऑयल और जो फ्रूट क्रीम के तौर पर आपने अप्लाई किया है वो मिश्रण और एक अच्छी नाइट क्रीम, तीनों को मिलाकर पूरे बॉडी स्किन पर ज़रूर लगाकर सोएं और चेहरे पर जो नाइट क्रीम आपको रिकमेंड की गई हो वो लगाएं। सवेरे प्रिवेंटिव मेजर्स में त्वचा को पोषण देना ना भूलें, क्योंकि क्लोरीनेटेड वाटर है, त्वचा अपने आप में बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट से लोडेड होगी, उसमें बैकलॉग नहीं होगा कि न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, तो त्वचा क्लोरीनेटेड वाटर कुछ हद तक, तो चाहे आप कितना भी बैरियर क्यों ना लगाएं, कुछ हद तक तो क्लोरीनेटेड वाटर अफेक्ट करेगा ही आपकी स्किन को, तो इसीलिए न्यूट्रिएंट्स त्वचा को प्रॉपर वे में सप्लाई करना, प्रॉपर क्लेंजिंग करना अच्छे क्लेंजर से, फिर पैक लगाना, फिर सीरम, फिर मॉइस्चराइजिंग, ये सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं त्वचा की स्विमिंग के दौरान पूरी करें, बहुत ज़रूरी है। और वंस इन 7 डेज आप सॉफ्ट एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट त्वचा को एंजाइम्स के द्वारा दें। एंजाइम्स त्वचा में कैसे काम करती हैं ये जानने के लिए जुवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर एंजाइमेटिक मास्क का वीडियो अवश्य देखिए। www.juvenaz.com ई-कॉमर्स वेबसाइट है, इस पर भी जाकर आप एंजाइम्स और एंजाइमेटिक मास्क के बारे में जान सकते हैं, अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इस ढंग से आप अपनी केयर प्री एंड पोस्ट केयर स्विमिंग के साथ साथ रख सकते हैं। तो स्विमिंग का आपको पूरा पूरा फायदा आपके बालों में और आपकी त्वचा में देखने के लिए मिलेगा। वीक में 2 बार आपको ऑयलिंग करके बालों में शैम्पू करना है और शैम्पू के पहले कोकोनट बटर और मजीत लोद्र इन सब से बना हुआ मास्क है, क्रीम बेस मास्क, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके जो क्यूटिकल जो अपरमोस्ट लेयर एक एक हेयर की होती है वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे और क्लोरीनेटेड वाटर की वजह से वो अपलिफ्ट ना हो जाए और फिर ड्राइनेस आपके बालों में ना आए। इसके अलावा स्कैल्प पर जो असर क्लोरीनेटेड वाटर का होता है, तो तिल, मेथी दाना, पोस्ता दाना, त्रिफला, जटामानसी इन सब से बना हुआ एक बहुत ही अच्छा हर्बल प्रोटीन पैक सॉफ्ट एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट स्कैल्प को देगा, साथ साथ प्रोटीन जो कम होगा, डिप्लीट होगा क्लोरीनेटेड वाटर की वजह से वो भी देगा और त्वचा को, मतलब स्कैल्प को, और भी नॉन विटामिन न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जिसकी वजह से बाल स्वस्थ हो जाएंगे।
तो आप स्विमिंग कर रहे हैं, उसका असर लिम्फेटिक सर्कुलेशन बूस्ट होना है, तो नेचुरली आपकी स्किन अच्छी होगी और आपके एनर्जेटिक आप फील करेंगे, बॉडी मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, साथ साथ अपने एक्सटर्नल बैरियर मतलब लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी कि स्किन यानी कि स्कैल्प, इसका अगर आप प्री एंड पोस्ट पूरी केयर करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट्स मिलेंगे।